लोन तो मिलता है अडानी अंबानियों को। अरे को लिख के दवाई अगर ये काम हम तुम्हारा करेंगे तब हम वोट देंगे। अरे कितने कितने करोड़ों लोगों की गारंटी लेगी सरकार, कितने को लोन दे रही है बताओ ना। करना कुछ नहीं है, बस बोलना बोलना है, तो सिर्फ एक चुनावी घोषणा है और कुछ नहीं है। एक जुमला है और हकीकत नहीं है। नमस्कार, वीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। साल 2019 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने दो मुख्य वादे किए हैं। जो लघु उद्योग है उसके लिए बीजेपी ने, लघु कारोबारियों के लिए बीजेपी ने दो मुख्य वादे किए हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर वो इस बार सत्ता में आती है तो छोटे कारोबारियों को 60 साल का हो जाने के बाद उन्हें पेंशन देगी और उनके लिए एक संगठन बनाएगी ताकि वो अपने कारोबार को और मजबूत कर सके। इलाके में यहाँ कुछ दुकानदार हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं बीजेपी के इन वादों के बारे में। आइए। सर, बीजेपी का साल 2019 का लोकसभा चुनावों का घोषणा पत्र उन्होंने आज जारी कर दिया, उसमें उन्होंने दो मुख्य वादे किए हैं कि अगर जो लघु उद्योग कारोबारी हैं वो 60 साल का हो जाने के बाद उन्हें पेंशन देगी और एक संगठन बनाएगी ताकि वो अपने कारोबार को और मजबूत कर सके, और ऐसे कई और वादे किए हैं। आप कैसे देखते हैं इन सभी वादों को? बिल्कुल सही देखते हैं, और बीजेपी वाले जो किया है और बोला है वो करके भी दिखाते हैं। और आज के टाइम में जो है कि मोदी जी जो बोलता है, अगर आज बोल दिया वहाँ पे और कल जमीनी दिखता है, तो मैं बोलूँगा अगर बोला है तो वो ज़रूर करेंगे और अच्छा वादा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अब जो छोटे कारोबारी है उन्हें 60 साल का उम्र हो जाने 60 साल की उम्र हो जाने के बाद उन्हें जो है वो पेंशन देगी सरकार, अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनती है तो? हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। इन्होंने इससे पहले भी जो अटल पेंशन योजना दी है वो भी अच्छी है, मैं खुद ही अटल पेंशन योजना भी किया हूँ। उसके बाद उन्होंने जो अपना एक्सीडेंटल है और 365 दिन का दोनों भी हमने कर रखा है, अच्छा है, हमें कोई वो नहीं है। अगर 60 साल बाद हमें भी वो चीज़ मिलती है तो और अच्छा है। लोगों का जो लोन होगा उसकी गारंटी सरकार लेगी। मैं तो क्या लिख के दो, मेरे को सबूत दो। ये कि देंगे बेचारे सबूत, तो सबूत दो हमें, ये आगे हमें हम ये दे रहे हैं, हमारे को सबूत दो लिख के, जो हमारे को उनको नंबर दो। मोदी का वो आ रहा है भाई पत्थर इतना बड़ा, हमारे को लिख के दवाई अगर ये काम हम तुम्हारा करेंगे तब हम वोट देंगे। नहीं, हम मैं मोदी का सहमत हुआ है, हमें लिख के दो। अब हम इस नए वादों पे कैसे किए, पिछले पुराने पूरे नहीं किए उन्होंने भाई, जो पिछले वादे हैं इतने सारे वो ही पूरे नहीं हुए एक भी। और कहाँ पब्लिक को मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब जैसे मंडारी होता है ना, डुग डुगी बजाता है, ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस बोलना बोलना है। अब बोलने वालों को कैसे यकीन करें बताओ आप। अरे ये बीजेपी का नाम तो भारत जलाओ पार्टी पहले से ही था ना, अब उन्होंने कर दी कथनी और करनी में अंतर भी नहीं है, कर दिया उन्होंने, जला दिया भारत, भाई को भाई से लड़ा दिया, हमारे देश के जवान रोज मर के हरे सैनिक पे। जब उन्होंने नोटबंदी की थी तो क्या शगुफा छोड़ा था कि इससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, आतंकवादी कमर तो नहीं टूटी और हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं एवरी डे, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब वहाँ कभी त्राल क्षेत्र में, कभी भाई कश्मीर के किस एरिया में, कभी किस, रोज़ कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों की बलि चढ़ी जाए। और इसके लिए सीधी सीधी जो सरकार है बीजेपी की वो जिम्मेदार है, और इसका जो मुखिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये आरएसएस सिखावे में चलते हैं, आरएसएस के कारण हमारे देश का पूरा पूरा नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी वादा किया है कि छोटे कारोबारों के लिए संगठन बनाएंगे ताकि उन्हें कारोबार करने में फ़ायदा हो सके। कारोबार की क्या, वो किसी के भी साथी नहीं है, क्यों ना मजदूर के ना कारोबारियों के, कारोबार कैसे पूरे होंगे, जीएसटी लगा के इतने बड़े बड़े उन्होंने टैक्स ले लिए और आम लोग कमर टूट गई, कहाँ से बताओ पूरा होगा कारोबार, कैसे वादे पूरे कैसे मान लेंगे छोटे कारोबारी, जब बड़ों को उन्होंने तो अपने साथियों को भेज दिया बाहर पैसे ले लेके दे के जाओ भाई बैंक का, बैंक के इतने पैसे गबन में चले गए हैं, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कहेंगे तो कहेंगे भाई देशद्रोही है, भाई ऐसा क्यों। अब इससे तो यही पता लगता है कि भाई ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये केवल राजनीति कर रहे हैं अगले बार सत्ता में आने के लिए और कुछ नहीं है। 60 साल के बाद तो वैसे पेंशन मिलती है, कौन सी पेंशन देंगे हम रोजगार के लिए, या जब हमारी एज हो जाएगी 60 साल तब देंगे,
कौन सी पेंशन? अभी इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया, मगर उनका कहना है कि 60 साल की उम्र के बाद हर छोटे कारोबारी को हम पेंशन देंगे। तो छोटे व्यापारी हैं, हम लोगों को तो आज चाहिए दो, हम अपना विकास करें, कुछ छोटी मोटी दुकान ले लें बस। वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में आने के बाद हम छोटे कारोबारियों की लोन की गारंटी लेंगे। नहीं, लोन देंगे किस शर्त पे देंगे हम? वो कह रहे हैं कि अगर इस बार हम सत्ता में आए तो जो लोन लेगा छोटा कारोबारी उसकी गारंटी सरकार लेगी, केंद्र सरकार लेगी। लोन के वादे तो बड़े सीधे होते हैं, लेकिन जब आप इनके पेपर में जाओगे ना तो छोटों को मिलता नहीं है लोन, तो मिलता है अडानी अंबानियों को जो लेके भागते हैं, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, बदलाव कहाँ लोन मिल रहा? मैं चल रहा हूँ बैंक, दिलाओ मुझे, कोई नहीं देता बैंक बैंक में, इतने सारे उनके सोना रखवाते हैं कोई बैकग्राउंड के लिए। अबे लोन उन्हें देते हैं जिनके पास खुद 50 लाख रुपए हो। सर, बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है साल 2019 के लिए, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि वो छोटे कारोबारियों को जो है वो 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं मोदी का सबसे बड़ा फैन हूँ। क्या लगता है, मतलब आपकी उम्र हो गई है, आप तकरीबन 60 साल के होने वाले होंगे तकरीबन आप, तो क्या लगता है ये वादा कैसा है, मतलब क्या सरकार पूरा करेगी, और करेगी तो फायदेमंद वादा है या क्या लगता है? मोदी जिसने जो वादा किया वो सब पूरा कर रहा है, और जो बेचारा से बन पा रही है वो सब कर रहा है, समझ गए? मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बड़े भाग्य से भारत को मिला है, बस मैं इतना ही जानता हूँ और कुछ नहीं। एक जुमला है और हकीकत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक उच्च पद पर रह करके झूठ बोल सकते हैं, जिनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती कि शर्म हया क्या होती है, साफ मतलब एक गंदी चीज, गंदी बातें और साफ बातों का अंतर ही नहीं मालूम, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना देश की मतलब नागरिक के होने के नाते बहुत बड़ी गलती की है। मैं चाहूँगा कि ऐसी गलती कोई नागरिक दोबारा ना करे। और बोलिए सर, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम करेंगे। देखिए साहब, कोई कुछ नहीं करता, आप एक समाज सुधारक हैं, अपने पैसे से कुछ कीजिए, आप पब्लिक का पैसा खुद भी खाते हैं, अपने दोस्तों को भी ऐश कराते हैं, आपने क्या कमाया है, क्या मेहनत करते हैं आप? किसान जो हम सबके अन्नदाता है, वो भूखो रह करके हमारा पेट भालते हैं, असली प्रधानमंत्री तो वो हैं, ये तो नाम मात्र के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रधानमंत्री है। वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि छोटे कारोबारी अगर कोई लोन लेते हैं तो उसकी गारंटी सरकार लेगी। सर, सरकार की बातों पे मैं यकीन यूँ नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई ऐसा लोन उपलब्ध नहीं हुआ है, तो मैं कह नहीं सकता। भाई मेरे हिसाब से तो अभी अब जो मोदी कर रहा है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, तो यकीन मतलब हो रहा है कि लोन पास भी होगा, सब कुछ होगा और सारी सुविधा भी दे रहे हैं, ठीक है, हमारी तरफ से तो एकदम ओके जब से ये मोदी सरकार आई है। ओके, आप कैसे देखते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद सरकार वादा कर रही है कि पेंशन देगी छोटे कारोबारियों को? मुझे तो यही लग रहा है कि जब मोदी आया तो करेगा, 60 साल बाद भी ये भी करेगा, ठीक है ना? तो सिर्फ एक चुनावी घोषणा है और कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव चुनाव में नज़र आते हैं, बाकी सब गायब, उसके बाद तो कोई नज़र नहीं आता ना इलाके में ना कहीं, चुनावों में ही आप भी चुनावों में ही नज़र आते हो, आप भी नज़र नहीं आते कहीं, अभी तो आप पूछ रहे हो, फिर जो है ना आप भी दिखाओगे या नहीं दिखाओगे ये भी नहीं पता, किसी के बारे में किसी के लिए भी अगर न्यूज़ दे रहे हो तो सही सही तो दो, फेक न्यूज ही दुनिया भर की फेंक रखी है तुम्हें, न्यूज़ चैनलों ने भी फेंक रखी है ना ये सारी फेक न्यूज़, जितनी है कितनी आती है दुनिया भर की आती है। और रही बात ये पेंशन की, पेंशन का तो भाई इसका तो अभी हमारे उम्र नहीं है जो पेंशन हमें मिलेगी, है ना, जो वक्त आएगा जब पता चलेगा। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो अभी नतीजे आ ही जाएंगे, मई में आएंगे, अप्रैल में नहीं, मई में आ ही जाएंगे, अपने आप ही पता चल जाएगा सब। वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि छोटे कारोबारी जो भी लोन लेंगे उसकी गारंटी लेगी सरकार। कारोबारी तो आज के समय में जितना परेशान है ना, शायद कोई परेशान नहीं है जितना कारोबारी परेशान है, रोजगार बिल्कुल बिल्कुल ठप हो रखा है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, खाली बैठे हुए दुकान पर,
लोग वहाँ खाली घूम रहे हैं, ना काम मिल रहा है ना कुछ है, काम है ही नहीं, पूरे मार्केट में कहीं काम नहीं है, खाली बैठे रहते बस। इसमें देखना क्या है, सब कहीं भी देखोगे आप ऐसी खाली दुकान खाली पड़े हैं। ये भाई बगल में दुकान है भाई, यहाँ पर खड़ा है, कोई ग्राहक ही नहीं है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, देख लो कोई ग्राहक हो कोई ग्राहक ही नहीं है। क्या बोले इसके विषय में? 60 साल की उम्र के बाद हम सभी छोटे कारोबारियों को पेंशन देंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, देना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि इस बार हम सरकार में आए तो छोटे कारोबारी जो भी लोन लेंगे उसकी गारंटी केंद्र सरकार लेगी। अच्छी बात है, उधवा नहीं है सरकार। हाँ, क्या GST से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सब ठीक है, जो भी ये हो रहा है, नुकसान क्या और फ़ायदा क्या, सब ठीक है, नुकसान और फ़ायदा में क्या, सब ठीक है। मोदी को लेके आना है दोबारा, लोन लेंगे तो तभी तो चुकाएगी, और फिर लोन मिलता कहाँ है साले, वो कर्मचारी खा जाते हैं आधा पैसा, फिर वो लोन लेने वाला कहाँ से भर पाएगा, वो दस्तखत भी नहीं करते हैं, घुमाते हैं महीने दो दो महीने। अब एक मोदी पूरे देश को सबको थोड़ी संभाल पाएगा है? जब तुम कहीं भी जाओ सरकारी ऑफिसों में कचहरी में, तो वो पैसे लेने के बिना दस्तखत भी नहीं करते हैं, और हर कोई शिकायत नहीं करता है, कौन दूसरी बार जाएगा, एक बार गाँव से आदमी मुश्किल से जा पाता है, समझ में बात आई ना, गांव से एक बार आदमी मुश्किल से 8-15 दिन बाद जाता है। अरे बाजार की बात तो अलग रही, यहाँ तो धंधे पानी है, गांव में तो आदमी गुजारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सभी को पता है अपना अपना खर्चा कैसे चल रहा है। लेकिन मोदी सही है तो सभी अधिकारी सही थोड़े हो सकते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए BJP का घोषणा पत्र आ गया है, उसमें उन्होंने वादा किया है कि छोटे कारोबारियों को 60 साल की उम्र के बाद वो पेंशन देगी, कैसे देखते हैं आप इस वादे को? पेंशन कौन देगा, BJP वाले देंगे। उन्होंने ये वादा किया है कि अब इसकी बार सरकार आई तो देंगे वो। इससे पहले नहीं हुआ 5 साल में, उससे पहले भी तो हो सकता था 5 साल में, अब क्या करेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो छोटे कारोबारियों के जो लोन है उसकी गारंटी लेंगे, कि अगर वो बैंक को वापस नहीं कर पाते हैं तो सरकार इसकी गारंटी लेगी, वापस करेगी। कौन वापस लेगा, बैंक वाले, बैंक वाले साढ़े और दंड दे रहे हैं। अरे कितने कितने करोड़ों लोगों की गारंटी लेगी सरकार, कितने को लोन दे रही है बताओ ना, ये सब फ्रॉडबाजी, सब झूठ बोलते हैं, कोई किसी कुछ नहीं करता, सब ड्रामेबाजी है। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, वोट जीतने के बाद साला कोई नहीं आता, जीतने के बाद में किसी पार्टी का MLO कोई भी नहीं आता। हाँ, एक हमारे जो नरेश यादव है जो उसका है आम आदमी पार्टी का, वो तो बेचारे इधर काम अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए तुम कहेंगे जो आम आदमी का है वो काम अच्छा कर रहे हैं। कोई भी सरकार है वादे कोई पूरे नहीं करते, बट यह है कि कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया है, मोदी जी ने भी 5 साल किया, कम से 5 साल तो और मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर जब से मोदी जी आए हैं हमारे दिल्ली में को आज तक बम ब्लास्ट को ऐसा आतंकवादी नहीं आया है। पहले हर 6 महीने में कभी कुछ होता रहा, जो भी कुछ हुआ मोदी की वजह से हुआ है। नहीं, मगर अगर मोदी सरकार ने वादा किया है तो आप क्या, आपके हिसाब से क्या पिछले वादे पूरे हुए हैं मोदी सरकार के जो 2014 में किए थे मोदी सरकार ने? नहीं, कुछ मैं सारे वादे तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाती, ना मोदी ने पूरे कर पाए ना कांग्रेस ने पूरे कर पाए। हाँ, कुछ हद तक उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, जो क्या नाम है, काम किया, अच्छा भी किया है कुछ, ये 5 साल में सारे काम तो पूरे होते नहीं। उन्होंने ये भी वादा किया है कि जो छोटे कारोबारी लोन लेंगे उसकी गारंटी सरकार लेगी, कैसे देखते हैं आप इस वादे को? देखो, अगर ये स्कीम दी है तो अच्छा है, आज आने वाले टाइम में बताएगा, इसको पता चलेगा इसके बारे में कि क्या इस स्कीम को ये पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। BJP ने जितने वादे किए हैं उसमें बहुत सारे ऐसा वादा है जिसको उन्होंने निभाया है। तो क्या लग रहा है, इस बार का पेंशन का वादा निभाएगी? इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेंशन का वादा निभाएगी नहीं निभाएगी। कांग्रेस ने भी बोला कि हम 72,000 रुपये साल का देंगे, क्या आपको लग रहा है वो देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने जो वादा किया कि हम 72,000 रुपये साल को दे देंगे गरीब परिवारों को, दे देंगे क्या, वो कहाँ से दे देंगे? इसीलिए इन बातों में तो कोई दम ही नहीं है, बाकी देखते क्या होता है। सरकार BJP की चुनावी स्टैंड है, चुनावी स्टैंड है, खुश करो और वोट लो। छोटे कारोबारियों के लिए BJP ने आज अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो छोटे कारोबारियों को एक तो लोन की फैसिलिटी दिलाएगी, कि अगर वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक को सरकार, केंद्र सरकार चुकाएगी वो लोन, और उसके साथ साथ छोटे कारोबारियों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देगी।
कैसे देखते हैं आप इन वादों को? देखते तो बढ़िया भाई, पर अक्सर हमारे यहाँ का जो MP तो कुछ काम नहीं कर रहा। रमेश चौधरी तो कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे एक काम नहीं करा उसने। बताओ कैसे वोट दें? वोट तुम देंगे मोदी को ही, लेकिन रमेश जो MP तो कुछ नहीं कर रहा, क्षेत्र में कोई काम नहीं किया इसने। मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, पर MP भी तो कुछ करे। अरे बेटा MP तो कुछ कर ही नहीं रहा हमारे क्षेत्र में, कोई कॉलेज नहीं, कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं, कुछ भी काम नहीं किया इसने। कोई जैसे लड़कियों के लिए कॉलेज ला दे अपने क्षेत्र में, ऐसे कुछ बदतमीज से बोलता है, ऐसे कुछ भी बोलता, कैसे बताओ। पर वोट फिर भी देंगे मोदी को वोट। मोदी आने से वैसे कारोबार तो हमारे ठप हो चुके, पर फिर भी हम देश के लिए मोदी को वोट दें। मुझे सबसे पहले अपने MP कैंडिडेट ने क्या किया हमारा, कुछ भी बताइए। उसने कुछ गाँव गोद लिए, क्या काम करके कुछ किया? मुझे तो आज तक लगता नहीं है कुछ काम किया है, सिर्फ घूमने के अलावा एंड बदमाशी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कि उस हिसाब से अगर एजुकेटेड हम देखें तो हमारे यहाँ का MP कैंडिडेट जो है आम आदमी से वो बेस्ट है। अगर फिर कंपेयर करें, BJP मोदी से तो कुछ नहीं है, पर मोदी ठीक है बट उसका कैंडिडेट ठीक नहीं है ना। कैंडिडेट्स देखे, कैंडिडेट्स देखने के बाद क्या सोचेंगे आप? उसे कंपेयर करें ना, हमारे यहाँ क्या है, हमारी लोकसभा में क्या उसने किया? कुछ भी नहीं किया। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, स्कूल्स देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, ट्रैफिक देख लीजिए, कुछ चीज़ से भी कोई नहीं किया। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय आज के BJP के घोषणा पत्र पे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जो BJP ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है इस पे ये थी दिल्ली की जनता की राय। कैमरा पर्सन सम्राट के साथ शिवम मिश्रा, VK न्यूज़, दिल्ली।